हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नई माँ बचे ये गलतियाँ करने से। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। यदि आप अभी अभी माँ बनी हैं, तो जरा गलतियों की इस सूची पर नजर डाल लीजिए जो अक्सर नई माएँ करती हैं। माँ बनना कोई आसान बात नहीं है और ऐसी अनेक गलतियाँ हैं जो लगभग हर एक नई माँ करती हैं। इसलिए आपको इनके बारे में जानना चाहिए ताकि आप ये गलतियाँ ना करें। हालांकि गलतियाँ करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि गलतियाँ हमें बेहतर बनने में मदद करती है, परंतु कभी कभी उन्हें टालना ही अच्छा होता है। नंबर वन, आराम करें। सबसे बड़ी गलती जो प्रत्येक नई माँ करती है वो है बच्चे के जन्म के बाद शीघ्र ही ठीक होने की प्रयास करती है। प्रेगनेंसी के बाद शरीर को आराम चाहिए होता है, इसलिए जल्दी उठने का प्रयास ना करें। कई माएँ होती हैं जो प्रसव के बाद घर के दूसरे कामों में लग जाती हैं। यदि आप एक नई है तो आप अपने शरीर का पूर्ण तरीके से स्वस्थ होने का पर्याप्त समय दें। नंबर टू, बच्चों के सोते समय नहीं काटे नाखून। कई महिलाएं 4 से 5 महीने के बच्चे के नाखून जगी हुई अवस्था में काट देती हैं। जब बच्चा सो रहा होता है तो उसके नाखून काटना इतना आसान होता है। यदि आप एक माँ हैं, तो आप जानती होंगी कि बच्चे के नाखून काटना बहुत ही कठिन काम होता है। नंबर थ्री, स्वयं को कम महत्व देना। नई माएँ बच्चे को संभालने में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि अपने आप को कम महत्व देती हैं। माना कि बच्चे की देखभाल करना बहुत कठिन काम है, परंतु ध्यान रहे कि आपसे अच्छी देखभाल कोई नहीं कर सकता। नए मेहमान का ध्यान आप तभी रख सकती हैं जब आप स्वस्थ महसूस करेंगी, इसलिए खुद का ध्यान रखना ना भूलें। नंबर फोर, नई माएँ अपने बच्चे को शांत करने के लिए केवल एक ही तरीके का इस्तेमाल करती हैं। प्रत्येक सप्ताह इसे बदलते रहें, जिससे आपका बच्चा एक ही तरीके पर निर्भर ना रहे। और ध्यान रहे कि बच्चे को चुप कराने के लिए अपने पति की भी मदद लें, क्योंकि बच्चा सिर्फ आप पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। यहीं से बच्चे में माता पिता दोनों की आदत डाल दें। नंबर फाइव, सवाल करें। अक्सर नई माएँ प्रश्न नहीं पूछती, हालांकि उनके पास पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न होते हैं। वो सोचती हैं कि वो प्रश्न मूर्खतापूर्ण है, परंतु वास्तविकता ये है कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होता। इन सब बातों के लिए आपके बच्चे के डॉक्टर और आपके डॉक्टर हैं। उनसे प्रश्न पूछे और निश्चित रूप से वे आपकी मदद करेंगे और आपके नए जन्मे बच्चे से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। नंबर सिक्स, स्तनपान कराने से शर्माए नहीं। स्तनपान करवाना हर माँ का कर्तव्य होता है, और अगर स्तनपान करवाते वक्त आप असहज महसूस करती हैं, तो आप घर पर आपसे बड़ी महिलाओं की मदद ले सकती हैं। बच्चों को स्तनपान कराना प्राकृतिक है और इसमें आपको कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। ये आप कोई गलत काम नहीं कर रही हैं। सभी माएँ पहले दिन से ही स्तनपान आसानी से नहीं करवा पाती, और यदि आपको इसमें किसी की मदद की आवश्यकता हो तो डरे नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहती हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रही हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकती हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।